लौला फजलुल्लाह अलैकुम व रहमतुहु, अगर न हो तो फजल अल्लाह का तुम पर और रहमत उसकी, मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा, पाक न होता तुम में से कोई भी कभी भी। अल्लाह ने तुम्हें जो पाकी दी है, सुतराई दी है, ये अल्लाह का फजल है। वलाकिन अल्लाह युज़क्की मन यशा, लेकिन अल्लाह पाक करते जिसको चाहे। वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह सुनने जानने वाले हैं। इस इश्क में और बीबी साहिबा पर तोहमत में मुनाफिकीन के अलावा तीन पाक लोग थे। उनमें मिस्ताह बिन उसासा अबू बकर सिद्दीक के रिश्ते में बांझे लगते थे, और हसान बिन साबित शायर रसूल थे और बहुत तंदरुस्त थे, और इनको खर्चा वगैरह सब अबू बकर सिद्दीक देते थे। इस वाकया में बे एहतियाती की वजह से अबू बकर सिद्दीक ने कसम खाई कि मैं आइंदा इनको कोई चीज नहीं दूंगा, इन्होंने मेरी बेटी और पैगंबर की इज्जत पर कैसे दम्बे लगाए। यहां से अल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक और इन जैसे बुजुर्गों को नसीहत की है कि इनको माफ कर दें, और आप अपने तमाम हसनात जारी रखें। देखो, वो वाकयतन गलती के शिकार थे, और अबू बकर जैसे आदमी को सजा देने का इख्तियार नहीं था, तो मौदूदी साहब को क्या हक है कि वो सहाबा को अपनी अदालत में खड़े कर रहा है और उनके खिलाफ फजूल बातें कर रहा है। इससे पता चला है कि कुरान के बारे में सहाबा के मुखालिफीन का इलम सिफर है, या कुरान करीम पर एतमाद नहीं है। ये तारीख पर ईमान रखते हैं, कुरान नहीं मानते, यही इनकी बदनसीबी है। वला यअतली उलुल फद्ल मिनकुम वसाते, कसमें न खाए बुजुर्ग लोग तुम में से और गुंजाइश वाले। अबू बकर बुजुर्ग भी थे और कशाइश वाले भी थे। अयो तो उलिल कुर्बा, कि ना दे रिश्तेदारों को, वल मसाकीन और नादारों को, वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह, और हिजरत करने वालों को अल्लाह के रास्ते में। वलियाफू, दरगुजर करे, वलियस्फहू, छोड़ दे। अला तुहिब्बूना यग़फिर अल्लाहु लकुम, आए चाहते नहीं हो कि अल्लाह तुम्हें माफ करे। देख लिया आपने, सहाबा की माफी पर अबू बकर को कहा कि आपकी मग़फ़िरत मौकूफ है। तो आयत से पता चलता है कि जिन्होंने सहाबा पर तान किया है उनकी मग़फ़िरत नहीं हुई। आप कुरान को देखें, मिस्ताह और हसान और हमन को माफ कर दें, जो वाकयतन शरीक थे और उनसे गलती हो रही थी। अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें बख्शिश करे, तो सहाबा पर एतराज मत करो। तो जिन्होंने असहाब पर एतराज किया है, बनस से कुरान उनकी बख्शिश खतरे में है। यही वजह थी कि तिर्मिजी शरीफ में है कि एक शख्स का पता चला कि वो हजरत उस्मान से बहुत रखता था, तो आपने उसका जनाजा पढ़ने से इनकार कर लिया। ऐसे शख्स का मैं जनाजा नहीं पढ़ सकता। मौलाना मौदूदी की जमात को संजीदगी से गौर करना चाहिए। शेखुल इस्लाम हजरत मदनी से लेके उस्ताद बन्नौरी तक जिन लोगों ने एतराजात किए, वो इनके भी बुजुर्ग हैं। काजी साहब ने हमारे आके कहे हमारे बुजुर्ग हैं। मैंने कहा अमीर जमात की हैसियत से आप उन्हें बारात से बरत का ऐलान करें, कम अज कम जमात जो है वो गिरफ्त से बच जाए। और आसमान और जमीन गवाह है कि मैंने सबकी मौजूदगी में बड़ी मीटिंग में काजी साहब को कहा कि मौदूदी साहब की जिन्हें बारात पर एतराजात है उनसे आप तौबे का ऐलान करें, और अहले हक उलमा से पूछ के तब्दील करें। तो ऐसे गुस्से हो गए और बरहम हुए कि जहां बैठे थे वहां से अपने आप को नीचे गिरा दिए। कुछ भी करें, ऊपर जाए या नीचे जाए, हम इतमाम वो जद कर चुके हैं और उसका कैसेट मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। आया तुम चाहते नहीं
कि बख्शिश करे तुम्हारी अल्लाह, और अल्लाह बख्शने वाला रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, आले सुन्नत वल जमात के नजदीक किसी सहाबी पर भी एतराज जायज नहीं है। तफसीलात के लिए आले सुन्नत वल जमात के मशहूर इमाम अबुल हसन अशरी की किताब अल इबाना अल उसूल दयाना देख लिया जाए। इन الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات, बेशक वो लोग जो तोहमत रखते हैं पाक दामन बेखबर मुसलमान औरतों पर, लुइनु फि दुनिया वल आखिरा, लानत है उन पर दुनिया और आखिरत में, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए अज़ाब बड़ा है। तो जो सहाबा पर तोहमत लगाते हैं और उन पर नाजायज कीचड़ों चालते हैं, लुइनु फि दुनिया वल आखिरा, वो भी लानती टीम है दुनिया और आखिरत। ये कैसे बैठा हुआ है, ये चार्ली, चार्ली कैसे बैठा हुआ है, डांसर है, बैठने का ढप नहीं, कबली से कोना खड़ी जाओ, ऐसा लगता है कल हाजत के लिए बैठा हुआ। नाजिमों में और अहलेकार में गैरत और हया नहीं है, तुम्हें डंडे सोटे चढ़ाते रहते हैं, खासकर वो लोग जो इतने बड़े वक्फे के बाद फिर उठ के उस तरफ जा रहे हैं। तो नाजिम के दफ्तर के सामने जो औरतें बैठी हुई है उनको नजर नहीं आता कि अभी तो वक्फा खत्म हुआ है, आप कहां जा रहे हैं, यहां ये बैठा हुआ है, अपना पैंकार जो है वो किबले की तरफ किया हुआ है, कुछ बैठने की तमीज तो सीखे जरा। अगर इतने तंग है तो मां मत बैठे, कल से जाए अपने घर। जब बैठना हो तो अदब से, हयास से, तहजीब से, मोहताज बनकर उलूम का।